एक गांव में राघव और उसकी पत्नी रेखा रहती थी। रेखा बहुत दिनों से एक अलमारी खरीदना चाहती थी, पर राघव उसे हमेशा टाल देता। एक दिन रेखा ने गुस्से में बोल दिया, अजी या तो आप आज अलमारी लेके आओ या तो फिर मैं खुद ले आऊंगी। फिर मत बोलना महंगी ले आई, ये सारे पैसे अलमारी में लगा दिए। अरे प्रिय देखो, आजकल काम मंदा है, पैसे वैसे भी मिल नहीं रहे बाजार में, अब ऐसे में अलमारी के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? सबके घर में अलमारी में ही कपड़े रखे होते हैं, पर मेरे घर में तो तार पे टंगे होते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे अलमारी चाहिए बस। ठीक है तुम नाराज नहीं हो, मैं कुछ करता हूँ। कहकर राघव अपने काम पर निकल जाता है। उसे उसका सहकर्मचारी विनोद मिलता है। अरे भाई राघव क्या हुआ, इतनी चिंता में क्यों हो, घर में सब ठीक है या भाभी जी ने मार के भेजा है आज? अरे भाई क्यों मजे ले रहे हो, रेखा ने तो अलमारी के पीछे मेरा जीना हराम कर दिया है। अरे तुम अभी तक अलमारी नहीं लेके गए क्या? कहाँ से लूँ, अलमारी कोई 100-200 की थोड़े ना आती है जो ले जाऊँ। अरे सुनो, मेरा एक दोस्त है, वो घर के फर्नीचर का ही काम करता है, होने को तो सेकंड हैंड सामान होता है पर देख के कोई कह नहीं सकता, चलो वहाँ से कोई सस्ती सी अलमारी ले लेना। फिर राघव और विनोद फर्नीचर की दुकान के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी ही देर में पहुँच भी जाते हैं। भैया कोई सस्ती सी टिकाऊ अलमारी दिखाओ जो देखने में नई लगे। लगता है पैसे की कमी के कारण ये वो भूतिया अलमारी जरूर ले लेगा। अरे वाह ये तो बहुत सस्ती अलमारी है, ये लीजिए अभी के अभी 500 रुपए और इसे मेरे घर पहुंचा दीजिए। राघव खुशी खुशी वो भूतिया अलमारी रिक्शे में लेके घर आता है। अरे वाह अजी आप तो कितनी अच्छी अलमारी ले आए, अब मैं भी अपनी सारी साड़ियों को इसी में लगाऊंगी। फिर रेखा सारे कपड़े सही से अलमारी के अंदर रख के सोने चली जाती है। आधी रात होने पे उस अलमारी से चुड़ैली आवाजें आनी शुरू हो जाती है। अपने घर में डरावनी चुड़ैली हंसी सुन के रेखा की नींद खुल जाती है। अजी अजी उठिए ना, देखिए ना ये कैसी आवाजें आ रही हैं हमारे घर में, उठिए ना जी। आज तो चैन की नींद सोने दे, इतने दिनों से तूने मेरा सोना हराम किया हुआ है अलमारी अलमारी करके, अब आ गई तो भी सोने नहीं दे रही। ये कहकर राघव फिर सो जाता है। रेखा चुड़ैली हंसी की आवाजें सुन के डर जाती है और आवाज का पीछा करने लगती है। ये आवाज तो मेरे ही घर से आ रही है, पर कहाँ से? आओ आओ और पास आओ, आओ आओ। रेखा आवाज का पीछा करते करते अलमारी के पास पहुंच जाती है। आवाज तो इसी में से आ रही है, पर इससे कैसे आ सकती है, खोल के देखती हूँ। फिर रेखा अलमारी खोलने लगती है और उसमें हाथ डाल के साड़ी इधर उधर करने लगती है। तभी अचानक एक चुड़ैली हाथ बाहर आ जाता है और रेखा को अलमारी के अंदर खींच लेता है। रेखा अलमारी के अंदर से एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। अरे मम्मी बचाओ बचाओ कोई, ये मैं कहाँ आ गई, यहाँ तो हर जगह कंकाल, कटे हुए हाथ पैर सिर पड़े हैं, ये तो कोई चुड़ैलों का महल लगता है, कहाँ फंसी भगवान। वो जगह बहुत डरावनी और खतरनाक होती है। महल पूरा का पूरा कंकाल के अंगों से बना होता है, अंदर बाहर हर जगह मरे कटे शरीर के अंग पड़े होते हैं। फिर जैसे ही रेखा उस महल के अंदर पहुंचती है, उसे वहाँ एक बड़ी सी लंबी नाक और बड़े बड़े दांतों वाली नीले रंग की चुड़ैल दिखती है जो
खोपड़ी में खून पी रही होती है। अरे मर गई रे, ये अलमारी के लालच का फल ऐसा निकलेगा, ये तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये मैं कहाँ चुड़ैल के चक्कर में फंस गई। बड़े दिनों बाद कोई बाहर की दुनिया का हमारी दुनिया में आया है, इसका तो स्वागत होना चाहिए। महफिल शुरू की जाए। फिर एक गंदी सी चुड़ैल आती है और रेखा को जबरदस्ती चुड़ैल रानी के बगल में बिठा देती है। फिर महल की सारी चुड़ैलें नाचने लगती हैं और नाच नाच के खून पीती हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। ये सब देख के मानो शरीर में करंट दौड़ गया हो। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ये मुझे कौन से पापों की सजा मिल रही है? उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि उनकी पत्नी चुड़ैलों के महल में फंस गई है। हे भगवान, मैं क्या करूँ अब? हे औरत, अब तू नाच के मुझे दिखा। दिखा नाच के। चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, मुझे मेरे पति इंतजार कर रहे होंगे। बहुत जल्दी तेरा पति भी तुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा, फिर आराम से रहियो उसके साथ यहाँ। फिर रेखा को भी चुड़ैलों जैसे कपड़े पहनाए जाते हैं और रेखा नाचना शुरू करती है। रेखा के नाच से मगन होके चुड़ैल रानी बोलती है, तेरा नाच मुझे बहुत पसंद आया, तू बहुत अच्छा नाचती है, अब से तू रोज नाचेगी, मेरे लिए रोज नाचेगी। इसे खाने पीने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसे मेरे कमरे के बगल वाला कमरा दिया जाए। फिर चुड़ैलों के खाने का वक्त हो जाता है, सारी चुड़ैल रसोई बनाने जाती है। रेखा एक चुड़ैल से पूछती है, यहाँ चुड़ैल रानी के अलावा बाकी सब चुड़ैल चुप चुप क्यों रहती हैं? क्योंकि हम सब भी यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए, तुम्हारी तरह किसी न किसी तरह लाए गए हैं, पर अब यहीं के होके रह गए हैं, तुम कुछ दिनों में सब समझ जाओगी। तभी वहाँ दूसरी चुड़ैल आ जाती है। ए, क्या बात कर रहे हो तुम दोनों? चुड़ैल रानी को पता चला ना, तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। इस पर डरते हुए रेखा भी उनके साथ रसोई में जाती है। वहाँ मांस, हड्डियाँ, खून, यही सब बन रहा होता है। इतना भयानक खाना देख के रेखा को बदबू से उल्टियाँ होने लगती है। मैं ये सब नहीं खाऊंगी, चाहे जो भी हो जाए, मैं खून नहीं पीऊंगी, मैं खून नहीं पी सकती। ए औरत, सबको यही खाना पड़ेगा, तू भी बहुत टॉल समझी। फिर खाने के समय सबके लिए मांस, खून, हड्डियां परोसी जाती हैं। ना, ना, इतनी अच्छी महक, वाह वाह वाह, मजा आ गया। फिर चुड़ैल रानी मांस खाना शुरू करती है और बड़े भयानक तरीके से खा रही होती है। बाकी चुड़ैलें चुड़ैल रानी के हुक्म का इंतजार कर रही होती हैं। बहुत स्वादिष्ट है, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। फिर सब खाना खाना शुरू करते हैं, पर रेखा सहमी हुई एक कोने में बैठी होती है। खाना खत्म होने पर सब सोने जाती है, रेखा भी अपने कमरे में सोने चली जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताएं।